दूध दही शहद घी शक्कर ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई अशोक सुंदरी, एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध दही शहद घी शक्कर ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई अशोक सुंदरी के ऊपर डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिवराजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है और यहीं पर भगवान शंकर को। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कैसे हमारी पितरों की शांति के लिए हम जो उपाय गुरु जी ने बताया अशोक सुंदरी का वो अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपके पितरों को शांति नहीं मिल रही है तो वो उपाय ये जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।